वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो रेसल जर्नी। तो भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमन रिंग और सोलो सिक्वा के बिट्रेयल को लेके और इनके मैच को लेके भी भाई अपडेट निकल के आई है कि इन फ्यूचर हमें इनका मैच देखने को मिलने वाला है। तो क्या पूरी अपडेट निकल गई है भाई रोमन रिंग और सोलो सिक्वा को लेके, तो उसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखना, वो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना ना जाए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि आप सभी ने देखा था भाई क्राउन जूल के प्रीमियम लाइव इवेंट में जहाँ पे हमें सोलो सिक्वा और जॉन सीना का मैच देखने को मिला था, उस मैच में भाई काफी शॉकिंग सी चीज ये देखने लायक रही थी कि भाई वो मैच में जॉन सीना तो हार ही थे लेकिन जो हमारे सोलो सिक्वा ने भाई पूरा डिस्ट्रॉय करके रख दिया था जॉन सीना को। और फिर उस मैच के बाद काफी सारी अपडेट्स निकल के आ रही थी कि वो जॉन सीना का हमें लास्ट मैच देखने को मिला है, उस मैच के बाद जॉन सीना रिटायर हो गए हैं, ये सारी अपडेट्स तो निकल के आई थी। लेकिन आपको बता दूं ट्विटर पे एक और ट्वीट निकल के आया था, वो भी भाई रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से, जहाँ पे उनका भाई कहना ये था कि WWE के इंटरनल प्लान्स है सोलो सिक्वा और रोमन रिंग के मैच को लेके, ना कि अब जो रोमन रिंग का नेक्स्ट मैच जिमी उसो या और किसी के साथ हमें देखने को मिलेगा, उसके अलावा वो मैच हमें भाई सोलो सिक्वा के साथ देखने को मिलेगा। और जैसा कि भाई हमने क्राउन जूल के पेपर व्यू में देखा था भाई जिस हिसाब से जॉन सीना को हराया, तो भाई उस चीज़ को देख के भी हम लोगों को समझ जाना चाहिए था कि भाई WWE के पास कुछ ज़्यादा ही तगड़े प्लान है। क्योंकि भाई जॉन सीना को हराया, भाई जॉन सीना कोई छोटे मोटे सुपरस्टार तो थे नहीं, और वो भी भाई जो जॉन सीना हारे भी कैसे भाई, उन्होंने अपनी एक भी मूव नहीं मारी, ए तो एक बार भी नहीं लगाया। और जो हमारे सोलो सिक्वा है भाई 11-12 कम से कम लगा ही दिए थे भाई, अप्रोक्सीमेटली 11-12 तो समोन स्पाइक भाई कम छोटी मोटी बात तो होती नहीं है। और भाई काफ़ी कुछ हमें वहाँ पे भी देखने को मिला था और उसके बाद ये अपडेट निकल के आई। और आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको अच्छे से ध्यान हो कि भाई जब एक बार हमें काफ़ी कुछ तगड़ा प्रोमो सेगमेंट देखने को मिल रहा था, जिमी उसो थे आई थिंक और रोमन रिंग भी हम तभी देखने को मिल रहे थे, उस टाइम पे सोलो सिक्वा ने एक बात कही थी कि अगर जो नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनेगा वो सोलो सिक्वा बनेगा, ना कि जे उसो बनेगा। तो भाई वहाँ पे भी हमें ये चीज़ देखने को मिली थी भाई, इस चीज़ को भी वहाँ पे भी टीज किया गया था कि जो नेक्स्ट हमारे ट्राइबल चीफ बनेंगे वो सोलो सिक्वा देखने को मिल सकते हैं। तो भाई ये चीज़ तो WWE पहले से ही टीज कर रही थी, लेकिन भाई अब हम लोग समझ ही नहीं पाए अब क्या करें। लेकिन भाई अब तो भाई फाइनली अपडेट भी निकल गया है, ट्विटर पे एक ट्वीट देखने को मिला है रेसलिंग ब्लॉग्स की तरफ से, और वैसे भी इनकी भाई काफ़ी सारी अपडेट रियल हमें देखने को मिलती है। वैसे ये WWE के इंटरनल्स प्लान से, तो भाई हो सकते हैं ऐसे कुछ अगर WWE ने इन फ्यूचर सोच रखा हो, क्योंकि भाई जो हमारे सोलो सिक्वा अगर देखा जाए तो भाई रोमन रिंग से भाई वो एज में भी कम है, और वैसे भी भाई जब भाई ब्रॉक लेसनर अब रिटायर होने का भाई टाइम आ रहा है, ये भी काफ़ी सारी रूमर्स निकल के आ रही हैं कि ब्रॉक लेसनर भी हमें रिटायर होते हुए देखने को मिलेंगे। तो भाई उसके बाद आप मे भी चांस हो सकता है कि उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे रोमन रिंग का हो। तो भाई उस चीज़ को WWE पहले से भाई समझ लिया हो, और अब जो वो WWE है वो चाहती हो कि उन्हें फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो, तो वो चीज़ अभी वो यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं कि वो रोमन रिंग की जगह भाई अब सोलो सिक्वा को न्यू ट्राइबल चीफ बनाए, क्योंकि भाई जो सोलो सिक्वा है वो रोमन रिंग से भी भाई काफ़ी एज में छोटे हैं। तो भाई ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि अगर सोलो सिक्वा बनते तो भाई वो प्रॉफिट इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करवा के दे सकते हैं भाई WWE को। तो देखते हैं भाई WWE के क्या प्लान है भाई सोलो सिक्वा को लेके। भाई तो यही कुछ अपडेट निकल के आई थी भाई सोलो सिक्वा और रोमन रिंग के मैच को लेके, और आपके क्या ओपिनियन है भाई इस चीज़ को लेके, तो जरूर से कमेंट करके जरूर जाना। तो यहीं तक की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना ना जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।